दोस्तों, कुछ साल पहले बॉलीवुड में एक हॉरर फिल्म आई थी, डरना मना है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मरना मना है? एक बहुत ही पुरानी और सत्य कहावत है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। यानी हर वह जानदार चीज को, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे या कीड़े मकोड़े, सभी को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें मौजूद है जहां मरना मना है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यह सच है। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही चुनिंदा शहरों के बारे में बताएंगे जहां एक आम आदमी के मरने पर भी पाबंदी लगी हुई है। नंबर 1, लॉन्गयारबेन, नॉर्वे। उत्तरी ध्रुव के पास एक देश है नॉर्वे। इस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है, इसलिए इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। लेकिन इसी देश में एक छोटा सा शहर है लॉन्गयारबेन। यह बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मरने की आज़ादी नहीं है। लॉन्गयारबेन शहर में मौत पर पाबंदी वहाँ के प्रशासन ने ही लगाया है। ये पाबंदी क्यों लगाई गई है, ये अगर आप भी जानेंगे तो आप भी इस प्रतिबंध का समर्थन करेंगे। उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण इस आइलैंड पर खून जमा देने वाली ठंडी पड़ती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान इतना कम हो जाता है कि जिंदगी मुश्किल हो जाती है। इस शहर की आबादी करीब 2000 है, लेकिन प्रशासन द्वारा पाबंदी लगाए जाने के बाद पिछले 70 सालों में इस शहर में कोई मौत नहीं हुई। दरअसल यहाँ पड़ने वाली कड़ाके की ठंड की वजह से यहाँ डेड बॉडी सालों तक ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। ठंड की वजह से वह न गलती है और ना ही सड़ती है, और यही वजह है कि सालों तक डेड बॉडी वैसे का वैसा ही रह जाता है। साल 1970 में एक रिसर्च के लिए जब एक कब्रिस्तान से एक डेड बॉडी को निकाला गया, उस व्यक्ति की मृत्यु इन्फ्लुएंजा वायरस से हुई थी। रिसर्च के बाद डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए, उस शख्स की मौत के बाद भी उसके डेड बॉडी में इन्फ्लुएंजा के वायरस जस के तस पड़े थे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्फ्लुएंजा एक खतरनाक वायरस है। इस वायरस के कारण इंसान पहले बुखार के चपेट में आता है और वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और कई बार उसकी मौत हो जाती है। इस खतरनाक वायरस के मिलने के बाद वहाँ के प्रशासन ने इस शहर में नो डेड पॉलिसी लागू कर दिया। उसके बाद जब भी यहाँ कोई मरने वाला होता है या कोई इमरजेंसी आती है, तो उस व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से देश के दूसरे इलाके में ले जाया जाता है और मरने के बाद वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। नंबर 2, सैरप्रेक्स, फ्रांस। सैरप्रेक्स फ्रांस का एक खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ भी किसी को मरने की इजाज़त नहीं है। और इसके पीछे का कारण है, इस कब्रिस्तान में डेड बॉडी को दफनाने के लिए जगह नहीं बची है, जिस कारण यहाँ की सरकार ने ये कानून बना दिया कि ना तो कब्रिस्तान का विस्तार किया जाएगा और ना ही यहाँ किसी को मरने की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ भी मरने के लिए लोगों को फ्रांस के दूसरे शहर में जाना पड़ता है। नंबर 3, ब्रिटिबा मिरिम, ब्राज़ील। पर्यावरण के प्रांत चिंता व्यक्त करते हुए ब्राज़ील के इस शहर के मेयर ने 2005 में एक पब्लिक बिल पास कर दिया, जिसके तहत पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इस शहर के लोगों को यहाँ मरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ भी अपनी मौत को नज़दीक देखकर लोग दूसरे शहरों में चले जाते हैं। नंबर 4, ले लेवेंडो, फ्रांस। फ्रांस के इस शहर में भी मरने की अनुमति नहीं है। इसका कारण ये है कि जब यहाँ के मेयर को समुद्र के किनारे कब्रिस्तान बनाने की अनुमति नहीं दी गई, तो उन्होंने एक बिल पारित करके यहाँ के निवासियों को मरने पर रोक लगा दिया। यहाँ भी मरने वाले के डेड बॉडी को दूसरे शहरों में दफनाया जाता है। नंबर 5, इत्सुकुशिमा, जापान। जापान के इस द्वीप पर 1878 के बाद से जन्म और मृत्यु पर प्रतिबंध है। इस द्वीप को शिंटोइज्म धर्म में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और इसकी पवित्रता बनी रहे इसके लिए इस धर्म के अनुयायी प्रतिबंध करके रखे हैं कि यहाँ किसी की मृत्यु ना हो। नंबर 6, लंजारोना, स्पेन। स्पेन में स्थित लंजारोना के
इंडालूसियन गांव में लगभग 4,000 लोग रहते हैं और यहां के लोगों के सामने भी यही समस्या खड़ी है कि उन्हें इस गांव में मरना नहीं है। दरअसल यहां भी अंतिम संस्कार और दफनाने के लिए जगह की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए इस समस्या का समाधान मिलने तक प्रशासन ने यहां मरने पर रोक लगा दी है, यानी यहां भी मरने के लिए लोगों को दूसरे जगहों पर जाना पड़ता है। इसके अलावा फ्रांस का कागरोस, इटली का सेलियम, मेक्सिको का फाल्सी ऑन डेल इत्यादि जगहों पर भी जगह की कमी के कारण मौत पर पाबंदी लगी हुई है, यानी यहां भी लोगों को दफनाने के लिए ज़मीन नहीं बची है और इस कारण यहां के लोगों का मरना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।